हाय एवरीवन सैब जी रूप जीरो अंडरस्कोर फोर और रामचंद्र सारस्वत जी ने पूछा है आर यू सिमिलर टू रोशन हाउ डिफरेंट रोशन एंड जेनिफर विथ ईच अदर सो आई एम नॉट सिमिलर टू रोशन एट ऑल मैं सिर्फ आप यही बोल सकते हैं कि एक uh, इनोसेंस में जेनेफर एंड रोशन आर सेम अदरवाइज आई एम टोटली ऑपोजिट रोशन से रोशन इज़ अ हाउस वाइफ शी इज़ लाइक यू नो अपने पार्टी शार्टी के लिए मना करती हैं एंड बाकी नो मैं आई एम नॉट वेरी एम्बिशियस इन पर्सनल लाइफ जैनफर इज नॉट वेरी एम्बिशियस बट आई एम ए वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मेरे को मेरे हस्बैंड मेरी बेटी फैमिली खुद खाना बनाना घर बार देखना सफाई करना प्लान देखना ये सब मेरे को बहुत पसंद है लेकिन uh, रोशन से अगर सिमिलैरिटी बोलूँ तो एज uh, सच उतनी नहीं है विशांत भाटिया ने पूछा है सीक्रेट ऑफ योर हेल्थ एंड वॉट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल मील्स यू टेक सीक्रेट ऑफ माई हेल्थ इज़ आई स्टे हैप्पी ऑल द टाइम आई ट्राई टू बी हैप्पी एंड कुछ भी होता है तो लेट गो करती हूँ कभी मैं भी टेंशन में आती हूँ मुझे भी गुस्सा आता है तो उसको लेट गो करती हूँ एंड uh, गुस्सा निकाल देना चाहिए अगर गुस्सा आता भी तो सबसे मेन आप तभी हेल्दी रहोगे हेल्थ का मतलब क्या है व्हेन यू आर इमोशनली फिज़िकली स्पिरिचुअली हर तरीके से आप हैप्पी हो दैट इज़ हेल्थ हेल्थ अकेले बॉडी की हेल्थ नहीं होती है सो so, uh, आई ऑल्सो डू योगा फॉर लास्ट मैनी मंथ्स आई एम डूइंग योगा एंड पहले मैं uh, जिम एंड ये सब करती थी जुम्बा करती थी बट अभी मैं इस वक्त लॉकडाउन uh, में योगा कर रही हूँ ऑनलाइन एंड न्यूट्रिशनल मील्स नो आई डोंट बिलीव इन न्यूट्रिशनल मील मुझे जो मन होता है मैं वो खाती हूँ मैं मैगी भी खाती हूँ मैं uh, दाल चावल मुझे बहुत पसंद है मैं पूरे टाइम दाल चावल खा सकती हूँ आइट फ्रूट्स आई पर हाँ मैं आई डोंट गोज ऑन मतलब जब एक सेटिस्फैक्शन हो गया एंड ऑलवेज हैव फूड अकॉर्डिंग टू द फूड्स एनर्जी आपका बॉडी आपको बताएगा कि मैं ये खाना खाऊँ आप पूछ सकते हो कि ओके डू यू वॉन दिस फूड अपने आप आपको पता चल जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट गुड फॉर योर वाइब्रेशन यू विल नॉट हैव इट सो आई ऑलवेज़ हैव आई लव स्पाइसी फूड तो मैं स्पाइस बहुत खाती हूँ एंड सूफी नूर इस्लाम जी फ्रॉम बांग्लादेश देश उन्होंने पूछा है आ, आपका शो हम देखते हैं एंड बहुत दुख हुआ था जब आप शो से चले गई क्या रीज़न था एनी कमेंट्स फॉर फैंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ ओके सो मैं जब बीच में गई थी तारक मेहता से बिकॉज़ आई वॉज प्रेगनेंट मैंने साढ़े चार महीने प्रेगनेंसी uh, तक तार, तारक मेहता किया था 2013 हज़ार अप्रैल में तक मैंने किया था तारक मेहता जब मैं फोर एंड हाफ मंथ्स प्रेग्नेंट थी uh, तो आफ्टर थ्री मतलब जब मेरी बेटी तीन साल की हो गई उसके बाद मैं तारक मेहता में वापस आई एंड uh, हर एक फैन इवन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आप लोग बाहर मतलब दूसरे देश से हैं बांग्लादेश से हैं आप और इतना प्यार देते हैं आई कैन ओनली से वी आर वेरी लकी वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप लोग का प्यार हमारे साथ है ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए एंड uh, हम भी ट्राई करेंगे आपको एंटरटेन करने की खुश रखने की और uh, कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ करिए क्योंकि देखिए हर चीज़ सेम नहीं हो सकती लाइफ चेंज होती है बहुत सारे लोग चेंज होते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज चीज़ होती हैं सो वी हैव टू टेक लाइफ एज इट इज़ सो बाकी सब फैंस के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि ऑलवेज़ जस्ट यू नो स्टे हैप्पी पद्मजा एल्बस हाउ डिड यू गेट रोल ऑफ रोशन व यू नर्वस वाइल योर फर्स्ट शॉट सो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी मेरी मेरी बुआ थीं उनका नाम था रोशन जो नाइनटीन नाइन्टी थ्री में उनकी डेथ हो गई थी and she was very 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 close to me she was like my role model she was totally handicapped कैप्ड मतलब वो उनको अर्थराइटिस था वो हिल भी नहीं सकती थी उनके आ, उनके हाथ पूरे ऐसे थे हाथों में अंदर fingers में हड्डियाँ नहीं थी उनका एक पैर एकदम straight था एक पैर ऐसा था जो स्ट्रेट था वो ऐसे नहीं हो सकता था जो मुड़ा रहता था वो स्ट्रेट नहीं हो सकता था वो करवट भी नहीं ले पाती थी अपने आप एंड uh, वो बहुत सुंदर थी पहले आफ्टर थर्टी ईयर्स शी हैड अर्थराइटिस एंड टिल द एज ऑफ फिफ्टी फाइव फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स शी हैड अर्थराइटिस एंड शी वॉज वेरी मोटिवेटिंग शी वॉज वेरी वो यू नो you know, इतनी इंडिपेंडेंट थी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी वो जिनको ट्यूशन पढ़ाती थी वो बच्चे लोग uh, एक बार में एक महीने के अंदर डबल प्रमोशन क्लास में फर्स्ट ऐसे आने लगते थे तो उन उनको मैं वो, वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन थी एंड शी वाज वेरी क्लोज़ टू मी तो उनकी डेथ एनिवर्सरी uh, के दिन मेरी शादी हुई थी मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी सेवन्थ मार्च को आती है सेवन्थ मार्च को मेरी शादी हुई थी टू में तो मैं 2008 थाउजेंड सेवेंथ मार्च को मेरी एनिवर्सरी के दिन और उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन उनको प्रेयर कर रही थी कि रोशन फुई मैं पिछले चार साल से स्ट्रगल कर रही हूँ आई एम नॉट गेटिंग समथिंग सब्सटेंशियल आई वॉन्ट समथिंग यू नो जो एक ऐसा रोल जिसको मैं मैं लोग प्यार करें सब लोग प्यार करें मैं भी खुश रहूँ एंड फैमिली को भी टाइम दूँ और सब रिस्पेक्ट करें एंड विद इन टू डेज आई गॉट कॉल फ्रॉम तारक मेहता तो मुझे जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने बोला कि मैम आपके लिए ऑडिशन है तो मैंने उनको बोला कि मैं तो अभी जबलपुर में हूँ बोले मैम आप आ जाइए मैंने बोला मुझे दो महीना लगेगा आने में उन्होंने बोला हम वेट करेंगे एंड आई वाज लाइक वाह ये कौन सा सीरियल है भाई कि दो महीना मेरे लिए वेट करेगा देन आफ्टर टू मंथ्स व्हेन आई केम आई रिमेंबर फिफ्टीथ ऑफ मे टू में मैंने ऑडिशन दिया था एंड विद इन टू डेज़ मेरा रोल कन्फर्म हो गया था एंड फर्स्ट शॉट देते टाइम नर्वस मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है मुझे बिल्कुल याद नहीं है मुझे ये फर्स्ट ऑडिशन याद है जो गुरुचरण और मैंने साथ में दिया था आसित जी ने हमारा ऑडिशन वो हमारे ऑडिशन में सामने थे एंड ही वाज वेरी हैप्पी हम दोनों ने जस्ट ऐसे ही इम्प्रोवाइज़ कुछ किया था सो आई डोंट रिमेंबर अबाउट द फर्स्ट शॉट आई डोंट नो आई वाज नेवर नर्वस कभी मैं नर्वस तो इस तरीके से नहीं हुई आ, लेकिन हाँ ऑफकोर्स कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम पर तो वो धीरे धीरे करके समझ में आ गया अभी जिन लोगों uh, के क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया आई होप यू लाइक इट एंड जिनका मैं नहीं दे पाई हूँ आई एम सो सॉरी इतना वैसे ही देखिए कितना लंबा वीडियो हो गया है तो यू नो नेक्स्ट फिर मैं नेक्स्ट कभी क्वेश्चन आंसर सीरीज रख करूँगी तब मैं पूछूँगी लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत मज़ा आया बहुत यूनिक क्वेश्चंस थे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच सैफ जी